मंदसौर के नाहरगढ़ में थाने के सामने करणी सेना ने धरना प्रदर्शन किया। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कोटडा बहादुर गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में राजपूत समाज के दो युवकों पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने का ये लोग विरोध कर रहे थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जहां एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं मंगलवार को सुबह करणी सेना ने नाहरगढ़ थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने कई मांगे रखी। आज हम लोग कोटरा बहादुर में जो सवर्ण समाज के हमारे राजपूत समाज के युवक है, उसके ऊपर एक SC ST एक्ट लगा दिया और धारा 302 लगा दी, जो कि अभी PM रिपोर्ट आई नहीं है, उसके बावजूद भी लगा दी गई। तो उसका हम विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। वो निर्दोष बच्चे जो हमारे समाज के फंसने वाले हैं, उनके लिए हम आज कर रहे हैं और हम मांग करते हैं यहाँ थानाधिकारी से कि SIT जांच इसकी होनी चाहिए। शिवराज सिंह जी पधारे 4 तारीख को, तो हम वहाँ भी जाएंगे। उसके अलावा 6 तारीख को हमारी फिर मीटिंग है, हम फिर से इस बात को उठाएंगे और इस मुद्दे को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारे साथ न्याय नहीं होता। प्रशासन की तरफ से आपको किस प्रकार का आश्वासन मिला है? अभी केस साहब ने फरमाया हमको कि हम पूरा आपके साथ न्याय करेंगे और हम ऐसी जाँच, मतलब निष्पक्ष जाँच करेंगे जिससे कि आप लोगों को तकलीफ नहीं हो। धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र के SDOP शेर सिंह भूरिया ने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश दी और मामले पर जानकारी दी। दरअसल दिनांक 20/8/2020 में थाना नाहरगढ़ पर अपराध क्रमांक 290 पंजीबद्ध हुआ, जिसमें आरोपियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा कि इस मामले की निष्पक्ष और सही तरीके से जांच की जाए और कोई भी व्यक्ति इसमें निर्दोष न फंसे, इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया कि मामले की विवेचना बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी एवं किसी भी प्रकार से जो भी निर्दोष हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा और यदि कोई दोषी हैं जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।